बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की गिनती उन एक्टर्स में होती है जो साल में अपनी कम से कम 4 फिल्में देते हैं। खिलाड़ी इन दिनों पर्दे पर नए अवतार में दस्तक देने के लिए तैयार हैं। अभिनेता अपनी आगामी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज का किरदार निभाएंगे। ये फिल्म राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता पर आधारित है। सम्राट पृथ्वीराज महान राजा थे जिन्होंने देश को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की कुर्बानी दी। इस फिल्म के जरिए पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म में वह राजकुमारी संयोगिता के किरदार में नजर आएंगी जो पृथ्वीराज की प्रेमिका बनी है। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। अभिनेता के नए रूप को देखने के लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड है। फिल्म भले ही सिनेमा घरों में 3 जून को रिलीज हो रही हो लेकिन इसके लिए पहले से ही एडवांस बुकिंग हो रही है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक फिल्म है। इसलिए अक्षय कुमार को उम्मीद है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ ये फिल्म ज़रूर देखेंगे। वहीं दूसरी ओर फिल्म के कलेक्शन को लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया को कमाई के मामले में पहले दिन पीछे छोड़ सकती है। पिछले कुछ समय में बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। ऐसे में दर्शकों को एक बढ़िया फिल्म की तलाश थी जिसे भूल भुलैया 2 ने ख़त्म किया। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 कमाई के मामले में पहले दिन से आगे चल रही है। वहीं कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर मूक के बल गिरी। आयुष्मान खुराना जो कि हमेशा बेहतरीन फिल्में देने के लिए जाने जाते हैं उनकी अनेक भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। सम्राट पृथ्वीराज के कलेक्शन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन कमाई के मामले में यह है फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। माना जा रहा है कि ओपनिंग डे पर यह फिल्म 15 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अक्षय की फिल्म कार्तिक की भूल भुलैया को पछाड़ने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।